हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल कोटा बकरा। तो गाइज, आज हमारे साथ है हमारे भाई मुबारक खिलजी, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो गाइज, ये एक जो फीमेल्स का लोड डला था डुड्डू भाई का, एक बार दिखा देता हूँ। फिर माशाल्लाह इसमें 13-14 बकरियाँ थी, गुलाबी और सब क्वालिटी वाली बकरियाँ थी। तो हमारे भाई ने ये पहले दिन ही इसका जो वीडियो डाला था, तब इसका सौदा किया था शायद। उस बात को करीबन कितने दिन हो गए भाई? तकरीबन 2 महीने तो हो गए भाई, 2 महीने हो गए। हाँ जी। तो गाइज, भाई की कुछ फार्मिंग, वो जो फार्म कंप्लीट, गोल्ड फार्म का अच्छा काम कंप्लीट हो गया है, तो इस कारण में इनको लेट हो गए लेने में। तो मुबारक भाई, काफी सर्दी आज देख रहे हैं आप। माशाल्लाह बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, तो इनसे कुछ बात करेंगे। तो बताइए भाई जान, कुछ आपने जो ये सौदा किया? हाँ जी हाँ। तो आज आप लेने आए? हाँ। तो कैसे लगा आपको डुड्डू भाई का, अपने जो डुड्डू भाई का भाई, जब इसके ये चीज़ों का, ये बकरियों का, इन बच्चों का मैंने जब सौदा किया था, उस वक्त में माशाल्लाह ये बहुत अच्छे थे। हम किसी को दोष नहीं दे सकते इस चीज़ में, क्योंकि कुछ मेरे घरेलू थोड़े एक प्रॉब्लम्स आ गए थे। अच्छा। उस वजह से सौदा तो हमारा 2 महीने पहले हो गया था, लेकिन अभी इतनी सर्दी गिर रही है, इतनी परेशानियाँ हैं, हर इंसान बेचारा चाहता है उसका जानवर बेहतर से बेहतर बने, लेकिन भाई मौसम भी कुछ चीज़ होती है। हाँ, और मौसम के हिसाब से बीमारियाँ भी आती है। तो है माशाल्लाह बाकी सब ठीक है। 2-4 ऐसी बकरियाँ हैं जो थोड़ी वीक हो गई है, और एक बकरी मर गई, 2 बच्चे मर गए, तो थोड़ा बहुत नुकसान। तो देखो, ये कारोबार है और इसी में बरकत है, और यही हलाल कहलाता है, जिसमें आपको नफा और नुकसान दोनों हो जाए भाई। तो भाई डुड्डू भाई का व्यवहार कैसा लगा? माशाल्लाह वेल एंड बेस्ट, बहुत अच्छा। ये इस मामले में मैं तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत पेशेंस वाले है, इस चीज में तो उनकी तारीफ करूंगा। क्योंकि भाई ये जो उनका एक शौक के तौर पे काफी महंगी महंगी बकरियां ली थी भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। डुड्डू भाई ने काफी भी लॉस खाया, हर बार लॉस खाया भाई ने। मेरे हिसाब से भाई डुड्डू भाई ने सिवाय नुकसान के तो कभी मुनाफा नहीं देखा होगा। और सच्चा जो मेरी खुद की कहता हूँ कि जो बंदा है ना, इस चीज का शौक नशा रखता हो ना, वो कभी इसमें कमा के नहीं खा सकता, वो नुकसान जरूर उठा लेगा। सही बात है भाई, अगर शौक जो दिल से रख रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो काफी काफी अच्छी बकरियां हैं। है माशाल्लाह, एक से एक क्वालिटी की बकरी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी, मतलब रेयर कलर्स की भी है इसमें कुछ। बस इसमें भाई कुछ तैयारी कराते माशाल्लाह, ये हो जाएगी भाई। अल्लाह की जात, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह बहुत प्यारी बकरी है भाई ये। हाँ। और इसके बच्चे भी शायद खिलजी भाई बहुत अच्छे आएंगे मेरे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो तो सब गैप की चीजें है भाई। खिलजी भाई, जिसे मैंने तब वीडियो डाला था, ये फर्स्ट डे ही शूट पूरे इसका लोड का सौदा किया था। मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लंबा वीडियो जरूर होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन वाला ही होगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई है, सबकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ भाई। 1000 किलोमीटर कोई हमारा भाई, 1500 किलोमीटर है ना, हम हमारे घर में, चाहे हमारा घर कैसा भी, बड़ा छोटा कैसा भी, हमारे बिस्तर में हमको नींद आती है। ये भाई बेचारे 1000-1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जाकर है ना, और रहना और वीडियो शूट करना भूखे प्यासे, क्योंकि मैं जंगल जंगल घूम रहा हूँ भूखा प्यासा। हाँ भाई, तो सबसे पहले आप लोगों को सलाम भाई। और चीना भाई, मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ भाई, दिल की, जो मेरी दिल की बात है कि ये मेरे बड़े अजीज दोस्त भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत पहले से मेरे बड़े अजीज दोस्त है, और भाई मेरे रिलेशन में भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ये चाहते तो ये पर्सनली है ना, इस वीडियो के बारे में या इस लॉट के बारे में मुझे बता सकते थे फोन करके कि खिलजी भाई ये चीज आई है, डुड्डू भाई की चीज है, आप ले लो। लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशनल को, अपने काम पे इतनी ईमानदारी कि इन्होंने वीडियो बनाकर, मेरा रब गवाह है भाइयों, किसी को इन्होंने फोन करके ये नहीं बोला कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप सौदा कर लो, कुछ नहीं। इन्होंने पूरी अपने काम पे ईमानदारी, जिम्मेदारी समझते हुए इसका वीडियो बनाया, और वो वीडियो बाय लक मेरे हाथ में, मेरा मोबाइल था और मैं ऐसे ही देख रहा था, इतने में इनका वीडियो आया यूट्यूब पे, और मैंने देखते ही साथ मैंने आप ही को कॉल किया था अंसारी भाई कि ये बकरियां मुझे चाहिए। और जैसे ये वीडियो आपका लॉन्च हुआ विद इन आवर्स के अंदर, और ये हमारा सौदा भी हो गया, ये सारी चीजें आज ये चीज है, अल्लाह का शुक्र है भाई। और तो भाई कोई भी इंसान हो, अगर अपने पेशे से ईमानदारी और सच्चाई रखता है,
काम धीरे जरूर चलता है लेकिन वो बड़ा बरकत वाला होता है भाई और बड़ा तरक्की वाला होता है। तो मेरी दिली ख्वाहिश यही है भाई, आप अपने काम पे ना ऐसी ईमानदारी और मेहनत करना भाई। चलो भाई बाहर कर, बिल्कुल बिल्कुल, जो एक दो मुद्दे भाई लोग बिल्कुल देखिए भाई स्किप ना करें इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए आज कुछ बातें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ बात ठीक है, आइए आइए। तो गाइस देख सकते हैं सर्दी का तो बहुत भयंकर माहौल है, सूरज ही नहीं निकला है तकरीबन 12:30 बजे भाई। देखिए सूरज बिल्कुल गायब है, सूरज कहीं है नहीं। माशाल्लाह डुड्डू भाई का काफी बड़ा फार्म है, लेकिन हाँ माशाल्लाह हटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बंदा ये भाई हमारे डुड्डू भाई बड़े शौकीन इंसान है, इनको नशा है इस चीज का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई कि हमें अगर नशा भी है तो सुन्नत रसूल का है, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी इस चीज से हो जाती है। तो भाई उन नशे में ना सिर्फ नुकसान हो रहा है, और थोड़े घर वाले भी अभी परेशानी ये हो जाती है कि भाई घर वालों की मैं आपस में घर में अगर नाइतफाकिया हो किसी चीज़ से लेकर, तो इससे बेहतर है कि भाई वो नातफाकियों को दूर करके उस चीज़ से अलग हो जाए। तो बस यही एक चीज़ है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें। और कुछ आप बोल रहे थे खिलजी भाई के एक वो ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग के, ऐसे है ना भाई, मैं आपकी वीडियो की जानिब से मेरे सारे जितने भी ट्रेडर भाई है भाई, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की कोई भी, चाहे ट्रांसपोर्ट वाला हो या हमारे ट्रेडर भाई हो या कोई भी मेरा भाई हो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिससे हमारा नुकसान है। मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर इलाके का ट्रेडर हूँ, ठीक है, हम ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे 20 भाई भी मेरे हैं, तो हम कंपटीशन आज इस ज़माने में हम कंपटीशन सोचते हैं। लेकिन भाई अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया खुल्ला साफ लफ्ज़ों में कि रिस्क का मालिक मैं, तो हम नीचे क्यों लड़े और क्यों जद्दोजहद करें। क्योंकि भाई आजकल एक बात काटना चाहूंगा खिलजी भाई, बिल्कुल भाई, कंपटीशन बहुत हो चुका है भाई, कंपटीशन तो आप बेच रहे हैं, हाँ मैं उतना बेचूंगा, कंपटीशन मत मानिए। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, लोगों का शौक है ना धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उर्स पे ये शौक, बहुत उर्स पे ये शौक है भाई। आज के 2.5 साल पहले ना मैं खुद एक ऐसा इंसान था जो कुर्बानियों पे बकरे खरीदता था और कुर्बानी कर लेता था, आज मैं इस चीज में आया हूँ। तो भाई ये सबसे पहले अगर मैं 2.5 साल पहले अगर मैं इस लाइन में आया तो आप लोगों की मेहरबानी है भाई, मैं आप लोगों को इसी के लिए सलाम करता हूँ कि अगर आप लोग ये शौक नहीं कराते ना लोगों को, तो आज लोग इससे जुड़ते नहीं। अब क्या हो रहा है हजरत कि मैं इस इलाके का हूँ, 10 मेरे भाई है, हम कारोबार करें तो हम क्या करें, हिर्स में 10,000 की चीज़ कोई 11 में खरीद रहा, कोई 12 में, क्या चीज़ मेरे पास है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूँ। अब मैं मान लो कि 10,000 की चीज़ अगर मैं हमने आपस में नाइतफाकियों से 12-13,000 की खरीद ली, तो हम इसे महंगी भी बेचेंगे, तो नुकसान तो हम हमारा ही कर रहे हैं भाई, हमारा भी। और जो लेने वाला, जो मेन शौक करने वाला है, उसको 10,000 की चीज आज ट्रांसपोर्ट के साथ में 15,000-16,000, यानी कि उसकी 1.5 गुना वो कीमत चुका रहा, तो लोगों का शौक खत्म हो रहा है। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का भी भाई एक बहुत बड़ा मसला है भाई, अभी तक वो जो अपने पिछली वीडियो बनाई, बिल्कुल उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये मैं टॉपिक क्लियर कर दूं ना हजरत के, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारा जंगल बदनाम इस चीज़ पे हो रहा है कि यार बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमारी थोड़ी सी हिर्स जो है ना कि ज़्यादा खरीद के ज़्यादा बेचूं, चाहे किसी भी भाव में खरीदना पड़े, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जंगल जो है ना धीरे 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 धीरे, और लोगों में ये जा रहा है मैसेज कि यार ये जंगल बड़ा महंगा है, तो लोग उस तरफ जाना कब हो रहा है। तो नुकसान मैं एज ए ट्रेडर मेरा ही नुकसान कर रहा हूँ, मेरे भाइयों का कर रहा हूँ, नंबर एक का मसला। नंबर दो का मसला भाई, हमारे भाई जितने भी है कुर्बानियाँ है ना भाई, ये कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली चीज़ है। अशरफुल मखलूक अल्लाह ने हमें ज़रूर बनाया है, लेकिन कुर्बानी का जो अल्लाह ने जो इनको दर्जा इनको दिया है भाई, तो इनकी आप इज्जत करो, ठीक है ना। आप 20,000 की चीज़ 10,000 रुपया दिखाकर वीडियो हो या कहीं पे भी आप डाल देते हो, बंदा बेचारा लालच में आ जाता है, 20,000 रुपये की चीज़ 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देता है, फिर भाई आप वालेकुम अस्सलाम करके निकल जाते हो, ना बकरा है ना वो पैसे है भाई, तो उसकी बड़ी मेहनत की कमाई है भाई। एक छोटी सी बात, ये जो मसला है भाई मैंने कई बार उठाया, बहुत आए भाई मेरे सामने, इसलिए भाई लोग बहुत काफी कफा भी है कि तुम क्यों बोलते हो। तो भाई बकरा किसी का है, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, आप साथ में थे, एक बकरा डला है हमारे मुंबई वाले भाई को, बकरा क्या पता किसका है, उसने वीडियो लगाई और लगा दी कि भाई ये 80,000 का बकरा है। होता है, तो पार्टी ने बोला कि भाई मेरे को इसे 75-70 में करा दें, तो जब पार्टी फोन करती है तो कह रहा भाई ये बकरा मेरा नहीं था, किसी और का है, मैं उससे बात करता हूँ तब जब आपको जवाब दूंगा।
तो भाई काफी गलत हो रहा है। नहीं क्या हो रहा है ना हजरत कि लोगों की बड़ी मेहनत और ईमान का पैसा, बहुत मेहनत करके कमाते हैं मेरा भाई। आप बॉम्बे में, मैं बॉम्बे से हूँ तो मैं, मेरी जो सरजमी है वो राजस्थान ही है, लेकिन बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ भाई। तो हमारे यहाँ ना बहुत छोटे छोटे घर होते हैं भाई, आप मानो या मत मानो, आप आओ मैं आपको पर्सनली दिखाता हूँ। छोटे छोटे घरों में यार बीवी बच्चे है ना, सारी सुविधा, उसी में बकरे भी है हमारे भाई, बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं। तो उस भाई के साथ में ना ये गलत होता है ना, तो बहुत दिल दुखता है। बहुत से फोन आए, बहुत से ऐसी बातें होती कि यार ये हो गया। तो ये ट्रेडिंग के इस मसले से, तो आज मैं ना मेरे कंप्यूटर, मान लो मैं कंप्यूटर एक लफ्ज दे देता हूँ मेरे भाई को, तो मेरे कंप्यूटर अगर ये गलत काम किया है तो मैं देखकर खुश ना हो ना, मैं उसको बोलूं कि लोगों को कि ये ऐसा सा, नहीं कल मेरी बारी आएगी। सही बात। और मेरा जंगल जब, मेरा मोहल्ला जब बदनाम होगा तो लोग मुझसे भी माल लेने से कतराएंगे भाई, करेंगे कि भाई उसी। हाँ, और हो चुका है भाई, काफी जगह ऐसी चीजें हो चुकी है। तो इस चीज में ना ना इत्तफाकिया से अच्छा है कि हम सारे भाई अखलाक के साथ में कारोबार करें, और जो गलत करे उस भाई को टोके। मैं कुछ बोलते ना कि 100 में से कोई आधा परसेंट या 1% जो गलत करे, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ। बाकी तो मेरा भाई, मेरे सारे, मेरे जितने भी भाई है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ भाई, सारे के भाई बकरों का। मुबारक भाई की जिसने पहले बार बता दिया कि बकरा भाई दिखा क्या रहे हैं, और माल मतलब कोटक, किसी भी चीज को कोटक बना रही है पब्लिक, कोई भी चीज, वो चीज है भाई। मैंने देख लिया, बीमार बकरे ले लिए है ना, और वीडियो बना दिए और भेज दिए, अरे अल्लाह के बंदो सफर में मर गया, उसके हाथ है ना वो साबुत चीज नहीं पहुंचती है, और पहुंचती तो वहां जाके मर जाती है। हाँ, और अगर वो बच भी गई भाई तो बेचारा बंदा है ना 2-4 हजार रुपए के नीचे आया था, दवा पानी डॉक्टर, मतलब लेवल नीचे लेवल आता है। मैं एक विनती और करता हूँ आपके थ्रू, एक विनती और करता हूँ, जो भी मेरा भाई है शौक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और नवाजे, अल्लाह आपको बहुत सारा नवाजे भाई, और अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्कियां दे। जो मेरे भाई एक दो बकरा पालने के शौक रखते हैं ना, मेरी तो सलाह यही है कि आपके आसपास में जो सेट हुए हुए बकरे हैं ना, आप, हमें लालच लगता है, जरूर है भाई, हमें लालच लगता है। एक बार थोड़ी बात काटूंगा खिलजी भाई, थोड़ा सा 1-2 हजार मैंने पहले भी बोला था, 1-2 हजार ज्यादा दे दो, लेकिन सेठ वो उसका हक है भाई, वो अगर वो जो फार्म जो खोला उसका हक है भाई। क्यों? क्योंकि वो यहाँ जंगल जंगल आता है, भूखा प्यासा रहता है, और वो ढूंढ कर उसका हक है वो। तो भाई उससे आपका, आप जो, मैं समझ लो कि मैं एक बकरा पालने वाला हूँ, मैं मेरे पड़ोस से, मेरे भाई से अगर बकरा ले लेता हूँ, तो मुझे फायदा क्या हो रहा है कि मौसम के हिसाब से वो बकरा जो है वो बिल्कुल सेट मिल गया। हाँ, परेशान जो नहीं हो रहा है, तुम्हारे 3-4 हजार ये बकरा मरेगा। हाँ, बात क्लियर है, तो किसी भी पकड़ लो आप, कान दो, इससे बचना। हाँ, जो मेरा भाई लॉट में लाना चाहता है भाई आ जाए, जंगल जाए। मैं तो एक बात कहता हूँ, आप जंगलों में घूमो, आपकी पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, आपका शौक भी पूरा होगा। ये हम इस वजह से सर्दी में देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाहर आया हूँ। एक मसला और है भाई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मसला आ रहा है भाई, तो भाई बकरे चलती गाड़ियों में से यहाँ वहाँ हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी चोरी का तो हम अल्फाज नहीं बोल सकते, जब तक हम आंख से नहीं देखे तो हम किसी को चोर भी नहीं ठहरा सकते ना भाई। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा है किसी भाई का पैसा। मैंने, मान लो कि मैंने पैसे लगा दिया है ना हमारे एक भाई को, उसने बकरा डाल दिया, वो भी अपनी जिम्मेदारी सच कह रहा है, फिर बाद में आगे ट्रांसपोर्ट में से 19-20 हो गया, या बकरा मान लो कि चोरी की वजह कूद गया, जंगल का माहौल है भाई, आप कोई चीज बोल नहीं सकते हो, मान लो कूद गया, तो अब वो जिम्मेदार कौन उस चीज का। तो लास्ट में जाके यही रिजल्ट आता है हजरत, कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे जो इस भाई ने खरीदा था उसके पैसे भी गए और बकरा भी गया, और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई नहीं बना। तो इसका भी एक इंशाल्लाह लोग समझ समझो इस चीज को। और मेरी तो एक भाई दिली तमन्ना है मेरे सारे भाइयों से, इखलाक के साथ काम करो है ना, और इखलाक के साथ रहो, फायदा ही होना है। आदमी सोचता जरूर है कि यार मेरा कॉम्पिटिटर ना है, लेकिन नहीं भाई, जितना बड़ा बाजार होगा ना, और जितने भाई आप इखलाक के साथ काम करोगे, आपको उतना ही फायदा होना है, नुकसान आपका है ही नहीं, किसी चीज में नुकसान नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बरकती और खैर वाली चीज है, इसमें नुकसान तो है ही नहीं। आप इसमें दो चीजें होना चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई। बस ये दो चीज आप कर लो, इंशाल्लाह ताला आप कभी पीछे नहीं रहोगे इंशाल्लाह भाई। ये कुछ बात थी हमारी खिलजी भाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे थे भाई ने, सही बात बोली, जो बहुत सी बात बोली। तो भाई ये जो पूरा लोट है इंशाल्लाह सही सलामत लेके पहुंच जाए। हाँ भाई, मैं खुद इसी के लिए, मैं ना हर लोट है ना मेरा खुद आता हूँ, खुद सेलेक्ट करता हूँ, खुद लेता हूँ, खुद गाड़ी में बैठ के। भाई की करीबन 14 या 15 नगे, लेकिन फिर भी पूरी गाड़ी करी आपने, पूरा एक बड़ा ट्रक की गया है सर। मुंबई बकरे पहुँचाने कल, तो इंशाल्लाह आज कॉल कर दें खिलजी भाई को, कर दें, या मेरे नंबर डालूंगा इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्शन में, तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि भाई अच्छी तरीके से बहुत बड़ी गाड़ी है, 50-60 कैपेसिटी गाड़ी, लेकिन 20-22 बकरे 25 बकरे लेके अगर इंशाल्लाह कोई भाई मुंबई पहुंचाना चाहे तो कॉल कर लें,
आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल भाई, वेलकम 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 बिल्कुल। और एक आपके चीज से एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज बोर मत होना, सही में मैं कह रहा हूँ। मेरा कोई भी भाई अगर जिस चीज़ का हुनरदार है, अगर बकरों में दवाइयों से है ना, देसी इलाजों से या कैसे मोटा होना है, अगर मेरा भाई मुझे कोई फ़ोन करके यार वो टिप्स देता है भाई, है ना, मैं आपका शुक्र गुजार रहूँगा। क्यों? वो टिप्स मैं लोगों में आगे बांटूँगा ताकि वो चीज़ फरवा हो, आपको अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा। अमल को अपने पास मत रखना भाई। और कोई मेरा भाई, कोई भी मेरा भाई किसी भी चीज़ से तकलीफ़ में है या कोई परेशानी इन बकरों से जुड़ी हुई कह रहा हूँ भाई, तो मुझे आधी रात को भी कॉल कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उस मेरे भाई के साथ रहूँगा। बाकी मसला हल हो ना हो वो मेरे रब की मर्जी है भाई। तो गाइस खिलजी भाई से कोई भी अगर बकरों के मुताबिक कोई बीमारी या कुछ बात हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल अल्लाह काफी भाई को नॉलेज दिए और मुझे बताना भाई, मेरे ज्यादा मेरे तो कोई 10 साल का भी मेरा भाई अगर मुझे है ना और कुछ बताता है ना कि आप ये अमल करो इससे फायदा होगा, तो भाई मैं तो सबसे पहले करता हूँ भाई इस चीज में। तो भाई प्लीज मेरे नंबर ले लो आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, है ना। हम एक दूसरे से कैसा है कि अमल को बांटना, एक बांटने की कोशिश करेंगे, बस यही है। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम भाई की कुछ बातें थी, तो आप लोगों के फायदे वाली चीज लेके आया था, तो और कुछ बोलना चाहेंगे भाई? सब्सक्राइब कर दें बस भाई कोटा बकरे चैनल को, हमारे अंसारी भाई की एक ईमानदारी मैंने खुद देखी है प्रैक्टिकली, तो इनकी ईमानदारी पे तो ना भाई लाइक्स भी बनते हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं भाई। तो प्लीज़ इनके चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें हमारे भाई को और सपोर्ट करें, और तमाम यूट्यूबरों को दिल से है ना भाई सपोर्ट करें भाई, बड़ी मेहनत है आप लोगों की भाई, बड़ी मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मैं मुंबई आऊँगा अल्लाह ने चाहा तो, ज़रूर ज़रूर में तो वहाँ जितने भी भाई फार्म इंशाल्लाह शूट करें सबका शूट करें जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ भाई, दुआ में याद रखिए। ओके अस्सलाम वालेकुम।